दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में आजादी के 70वें जश्न से पहले शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने कॉलेज के हॉस्टल में घुसकर स्टूडेंट्स के कमरों की तलाशी ली थी, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन में विद्यार्थी थाने में ही डटे हुए हैं। अब स्टूडेंट जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी डगर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ्ते मुलाकात की थी, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी। पटना में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस मामले में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव का कहना है कि शराबबंदी के बाद जो भी मिलेगा जहरीला ही होगा। इस मामले में अब तक 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं 14 पर FIR दर्ज की गई है। भारत में हाफिज सईद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक बरेली की दरगाह आला हजरत ने एक फतवा जारी करके कहा है कि मुंबई हमलों का दोषी आतंकी हाफिज सईद मुस्लिम होने के लायक नहीं है और उसकी बातों को सुनना नाजायज है। इतना ही नहीं, फतवे में हाफिज सईद को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। रेसलर नरसिंह यादव पर डोपिंग के केस में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। शुक्रवार को ब्राजील की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने यह फैसला सुनाया। अब नरसिंह रियो ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे। 5 साल का उमरान दागनिश सीरिया में जारी खूनी संघर्ष और ट्रेजेडी का सबूत बन गया है। उसकी फोटो सोशल मीडिया में गुरुवार को वायरल हुई। पूरी दुनिया और UN इसे देख सदमे में है। फोटो सामने आने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया के जंग वाले इलाकों को मदद रोक दी है। UN का कहना है कि जब मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाए तो उसका कोई मतलब नहीं। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु फाइनल में पहुंच गई हैं। आज उनका मुकाबला स्पेन की मरीन से होगा। पूरा देश PV सिंधु से अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जता रहा है। UP में सरकारी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। एप्लीकेशन में महात्मा गांधी से लेकर अमिताभ बच्चन तक के नाम है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने मेरिट लिस्ट में 94% नंबर तो अमिताभ बच्चन ने 75% नंबर हासिल किए हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली साक्षी मलिक को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित करने का फैसला किया है। CM अखिलेश यादव उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। देश के शेयर बाजार की शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स सुबह 9:36 पर 23.33 अंकों की कमजोरी के साथ 28,001.11 पर, जबकि निफ्टी लगभग इसी समय 3.90 की मामूली कमजोरी के साथ शुरू हुआ।